नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने पीएम नरेंद्र मोदी से की अपील, कहा नेताजी की अवशेष को जापान के रेंकोंजी मंदिर से भारत वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि नेताजी का जीवन अब दास्ता बन चुका है। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत के बीच भावुक दिखाई दी, जहां उन्होंने फाइनल में मेडल न लाने का मलाल जताया और फूट फूट कर रोईं। इस दौरान पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने उन्हें गले लगाकर समर्थन किया। एक बार फिर भागलपुर में ब्रिज का पिलर ध्वस्त हो गया है। सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहे फोर लेन पुल की पिलर संख्या 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। हालांकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से बताया गया है कि यह पुल का पुराना क्षतिग्रस्त हिस्सा था जिसे हटाया जा रहा था। बिल गेट्स ने अमेरिका के ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में भारत दिवस समारोह की शुरुआत की और भारत को ग्लोबल लीडर बताया। उन्होंने भारत की टेक्नोलॉजी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा में नवाचारों की सराहना की। बिल गेट्स ने भारत को ग्लोबल लीडर बताया। उन्होंने भारत की टेक्नोलॉजी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा में नवाचारों की सराहना की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि उनके राज्य में पुल लगातार टूट रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पुल टूटने की घटनाओं से जाँच के लिए कमेटी की रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की। इस हड़ताल के दौरान ओपीडी और नियमित सर्जरी सेवाएं बंद रहेंगी। आईएमए ने अस्पतालों को सुरक्षित जोन घोषित कर एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले बहनों और बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कहा कि जो भर्तियां हो रही हैं उनमें से 20% बेटियों की भर्ती की जाएगी ताकि वे सड़कों पर शहीदों का ठीक से उपचार कर सके। जियो ने अपने पोस्टपेड प्लान्स को अपडेट किया है, जिसमें 449 रुपए की प्लान में हर महीने 5 GB अतिरिक्त डेटा, दिन में 100 फ्री SMS और सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल है। इसके अलावा ग्राहकों को जियो TV और जियो सिनेमा का मुफ्त एक्सेस भी मिलेगा। नोएडा के DMF और गुरुग्राम के MBS मॉल में बम होने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों मॉल्स को तुरंत खाली करा दिया है। फिलहाल मॉल में चप्पे चप्पे की तलाशी जारी है। बिग बॉस 18 में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि शो के मेकर्स ने धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि धर्मगुरु ने मेकर्स के ऑफर्स को ठुकरा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अनिरुद्धाचार्य लड़ाई झगड़े टाइप शो में नजर नहीं आना चाहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की मौत के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को समाप्त करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक नई समिति गठित करने का आश्वासन दिया और हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पटना के निकट बेहटा में बने नए एयरपोर्ट के विकास के लिए 1,413 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण इस योजना को संभालेगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार देश के 25 अरबपतियों में से 23 की संपत्ति में $9.84 बिलियन का इजाफा हुआ है। इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान गौतम अडानी की संपत्ति में देखा गया है। बिहार में बाढ़ के कारण 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें जो हैं अब बाद में तय की जाएंगी। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 अक्टूबर को जनसुराज से जुड़े लोग पार्टी बनाएंगे, उसमें मेरी भूमिका नहीं होगी। UGC नेट परीक्षा 2024 के री एग्जाम के लिए NTA जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड जारी होने से पहले NTA एग्जाम सिटी स्लिप को परीक्षा से 10 दिन पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करेगा। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने 2024 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार की तिथियां शामिल हैं। नया कैलेंडर उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीखों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताएगा।
अनिल अंबानी की बढ़ रही नेटवर्थ। कुछ साल पहले अनिल अंबानी का बिजनेस करीब करीब डूबने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन अब उनकी मेहनत और बेटों की मेहनत के दम पर उन्होंने फिर से वापसी की है। उनका कंपनियां कर्ज मुक्त हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के बंद पड़े टर्मिनल एक को फिर से खोला जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें कि स्पाइसजेट के 13 विमानों की उड़ानें शुरू की जाएंगी, जबकि इंडिगो एयरलाइंस 2 सितंबर से 34 विमानों की उड़ानें संचालित करेगी। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर गीता गोपीनाथ ने भविष्यवाणी की है, भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बता दें वर्तमान में भारत 5वें स्थान पर है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद जारी है। तेजस्वी यादव ने अपराधों की बढ़ती संख्या को लेकर सीएम नीतीश को घेरा, वहीं अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी को लोकसभा चुनाव की हार का सदमा बताकर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। भारतीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भारतीय विक्रांत मेसी की फिल्म 12वीं फिल्म ने प्रमुख पुरस्कार जीता है। कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन भी अवार्ड्स की सूची में शामिल रही। इस समारोह ने भारतीय फिल्मों के प्रति वैश्विक प्रशंसा को और बढ़ाया है। अब फिर से एक्शन में दिखेंगे नीरज चोपड़ा। बता दें नीरज चोपड़ा 22 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में जेलिन थ्रो करेंगे। उन्होंने लुसाने के बजाय ज्यूरिख में खेलने का विकल्प चुना है। अयोध्या को सोलर सिटी में बदलने के लिए 50,000 घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 13,400 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। ये परियोजना सौर ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में चिंता बढ़ गई है। सरकार ने हवाई अड्डों और सभी प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी निगरानी और एहतियाती उपाय करने का आदेश दिया है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व के दिन ब्लू मून दिखाई देगा। खगोल विज्ञान में इसे बहुत ही अद्भुत घटनाओं में गिना जाता है। वहीं शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने सभी 16 कलाओं में परिपूर्ण रहता है। फिल्म स्त्री 2 ने 2 दिनों में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 118 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं भारत में इस फिल्म ने 2 दिन में ही 100.1 करोड़ रुपए की कमाई कर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 एक बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई है। टेलीकॉम विभाग ने प्राइवेट कंपनियों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत वे अब एक बार में अधिकतम 100 सिम कार्ड ही खरीद सकते हैं। ये कदम ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए उठाया गया है। आयकर विभाग ने लोगों को इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया। विभाग ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी है कि रिफंड के झूठे कॉल और मैसेज से बचें और ऐसे मामलों की शिकायत आयकर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करें। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और साथी बुच बिलमोर की वापसी बोइंग स्टार लाइनर से देरी हो रही है और अब सुनीता की आंखों में दिक्कतें आ रही हैं। नासा ने कहा कि उनकी वापसी में अभी समय लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने कमेंट किया है उनका नाम है गुनर शर्मा, नीतीश कुमार सिंह, प्रिंस पासवान, राजन प्रकाश, राम बाबू दास, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने 12वीं फेल फिल्म देखी है? अगर देखी है तो ये फिल्म कैसा लगा? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।